हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे भाभी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कौन? अरे शहर में कर्फ्यू लगने वाला है, आप चलिए यहाँ से जाइए। कर्फ्यू? अरे आइए आइए आइए, बैठिए, हम आपको छोड़ देते हैं। बैठिए बैठिए। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जीवन में आगे बढ़ने वाला इंसान हमेशा यही चाहता है कि वो जिंदगी में कोई ऐसी मिसाल पेश करे कि दुनिया में उसकी अलग पहचान बन जाए। अपनी पहचान बनाने के लिए लोग बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका असल चेहरा कुछ और होता है, जिसे वो दुनिया से हमेशा छिपा कर रखते हैं। ये केस इंसानी शख्सियत के इन्हीं दोहरे मापदंडों की मिसाल था जिसकी शिकार सीमा थी। ठीक से ना बोल पाने वाली सीमा एक सरल और सादी जिंदगी जी रही थी, लेकिन 14 जुलाई 2019 की शाम को उसे बेरहमी से मार दिया गया। पर ये केस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। उस हत्या से पहले ऐसे कई अनर्थ होने थे जिनका अंत नहीं था, और इस केस से जुड़ा एक एक किस्सा सन कर देने वाली सुर्खियों से भी ज्यादा सुर्ख था। तुम वही बोल रहे जो हमारे पुरखे कह गए थे, रोटी और बेटी का व्यवहार हमेशा बराबर वालों में होता। ये दूसरी जात वाले, इस मरीराम से पूछिए अम्मा जी, इसका बेटा कहाँ है? अरे हमें नहीं पता हमारा बेटा कहाँ है। अम्मा जी, कसूर सिर्फ हमारे बेटे का नहीं है, इसकी बेटी का भी है। अपनी मर्जी से भागी है उसके साथ, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, हमारी बेटी को सजा मिलनी चाहिए। कसूर सिर्फ हमारा है का? तू तू मैं मर मिटे पूछ पूछ के जात, राम रहीम हैरान है नाजुक है हालात। इबी तो कह गए थे हमारे पूर्वज। अब आप लोग बताइए हमको कि का अपनाना है, अच्छाई या बुराई? पर अम्मा जी, देखो नरेंद्र, मनीराम का लड़का सीएमओ के पद पर है, इस पद का लड़का ढूंढ पाते अपनी बिटिया के लिए? अम्मा जी, हम अपनी बेटी की शादी अपनी जात में ही करेंगे। बस हम फैसला कर लिए हैं, तुम दोनों के बेटा बेटी बालिग हैं अब, पता किए हैं हम, वो दोनों शादी भी कर चुके हैं, तो अब ना जात बीच में आएगी और ना ही किसी की जिद। अम्मा जी के, अम्मा जी के, अम्मा जी के। When the going gets tough, the tough get going. कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमारी दादी की तरह हमारी मम्मी ने भी साबित कर दिखाया है। ये रही हमारी मम्मी। हर मम्मी गांव की सभी औरतों के साथ मिलकर गृह उद्योग चला रही है। मम्मी कुछ तो बोलिए। हम कब बोले? अरे अपने काम के बारे में बताइए। तू ही बोल। देखिए, कामयाब इंसान तो वही होता है जो बोलने में नहीं करने में विश्वास रखता। विवेक, तो ये है मेरा कजिन विवेक। विवेक हाय बोले मेरे दोस्तों। नहीं मैंने दीदी, मुझे सब नहीं करना। अरे तो ये है मेरे दद्दू, इनके आयुर्वेदिक नुस्खे बहुत मशहूर है, वर्ल्ड फेमस, और इनका तकिया कला माइंड ब्लोइंग। ओके गाइस, तो अब हमारे दादी चाचा और पापा आ गए, लेकिन इन सब से मैं आपको फिर कभी मिलाऊंगी। वो विधायक है तो हम भी तो सरपंच है गांव के, मनमानी नहीं सहेंगे उसकी। तो पावर में समझौता कर लीजिए आप उससे। समझौता? हमने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया है। फोन लगाओ उसके पीए को, बोलो अम्मा जी मिलना चाहती हैं। काला झंडे बाबूजी, सिर्फ पंचायत में ही नहीं, क्षेत्रीय राजनीति में भी झंडे गाने के लिए तैयार है माँ। अरे वाह, मतलब गांव का ही नहीं पूरे कस्बे का भाग्य बदलने वाली है दादी। माँ, विधायक जी से कल की मीटिंग फिक्स हो गई है। ठीक है, कल चलते हैं।
सॉरी, बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को। बताइए क्या सेवा करें आप लोगों की? सेवा सेवा कहते बहुत हैं आप, पर सेवा करते नहीं है। 3 साल हो गया पानी का पाइप बिछे हुए, पर नलों में अभी तक पानी नहीं है बिश्नोई जी। वो तो तभी आएगा जब जिले में पानी की टंकी बन जाएगी, लेकिन इसका जो बजट था ना, तो पाइपलाइन बिछाने में ही खर्च हो गया। अब ऊपर से फंड आएगा तो। पर नीचे से तो बहुत आए हैं आपके पास। पाइपलाइन बिछाने में जितना पैसा ठेकेदारों को बांटा गया है, उसका आधा तो आप ही के पास आ गया। जबान संभाल के बात कर सरपंच, वरना न ये सर रहेगा और न पंच की अकड़। अकड़ तो अब तुम भी टूटेगी बिश्नोई। घर घर पानी के स्कीम में जो घोटाला की हो ना, सब मीडिया के सामने लाएंगे। अरे कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। संज्ञान, हम यहाँ तुम्हारा 1 घंटे इंतजार कर रहे हो, तुम अब जा क्या आ रहे हो? मेघा सॉरी यार, पापा को आने में देर हो गई थी, अब उनसे मिले बिना तो हॉस्टल नहीं जा सकता था ना। अब 15 मिनट में तुम्हारी बस आ जाएगी। वो सर 15 मिनट बिताने के लिए इतना वेट किया हम? सचा हम तुम्हें ड्रॉप करने ही नहीं आते। तुम चाहो तो अभी भी मेरे साथ भाग सकती हो। सर पे किसी शार्प ऑब्जेक्ट सवार किए। बॉडी पे ये निशान है, उन्हें देखकर लगता है कि बॉडी से कत्ल करने के बाद जबरदस्ती गहने उतारे गए। सर माँ हमेशा गले में सोने की चैन, हाथों में सोने कंगन, हीरे और सोने की अंगूठियां पहनती थी। लेकिन ये जगह आपके घर से काफी दूर है, आपकी माँ इस सुनसान जगह पर अकेले क्या करने आई होंगी? सर हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात को माँ घर पर नहीं आई थी और उनका फोन भी बंद आ रहा था, और आज सुबह यहाँ उनकी लाश। आप लोगों को किसी पर शक? साहब हम कहते हैं सब पूरा किया धरा है ना नरेंद्र का ही है। कौन नरेंद्र? हमारे गांव का ही है साहब, उसकी लड़की ने दूसरे जात के लड़के से शादी कर लिया था। नरेंद्र चाहता था अम्मा जी उस लड़के को सजा दे, पर अम्मा जी लड़का और लड़की के रिश्ता का बचाव किए थे, इसलिए बहुत गुस्से में था। अम्मा जी, मैं उस नीच लड़के को अपना दामाद ना मान सकता। अगर आपकी बेटी होती तब भी आप यही फैसला सुनाते? हाँ, तब भी हमारा यही फैसला होता। हमें मंजूर नहीं है आपका ये फैसला। साहब नरेंद्र अपना फोन बंद करके भाग गया है, हमको पूरा यकीन है अम्मा जी का मर्डर उसी ने किया है। रहता कहाँ है नरेंद्र? क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं आप लोग? साहब उस कमीने नरेंद्र ने हमारी अम्मा जी की हत्या की है, और आज हमारे हाथ आने से पहले ही भाग गया। अगर हमारे हाथ आ जाता तो हम उन्हें से यही काट देते। एक मिनट, जब वो घर पे है ही नहीं तो तोड़फोड़ करके क्या फायदा होगा? तो सर लाई ना उसे हमारे सामने, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाभी हमने चारों तरफ पता किया, लेकिन मेघा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। पर वो ऐसी तो गायब नहीं हो सकती ना शमशेर भैया, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। आप कुछ करते क्यों नहीं है? मेघा कल से गायब है। हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या माँ की लाश तो आप नहीं ढूंढेंगे उसे? उसकी कुछ पड़ी नहीं है क्या आपको? रजनी देवी के कातिल को जल्दी ढूंढना होगा, वरना गांव वालों का बवाल और बढ़ सकता है। जी सर, ये नरेंद्र जिस तरीके से गायब है उसे देख के तो लग रहा है कि हो सकता है कि नरेंद्र ने रजनी देवी का कत्ल किया है और गहने लूटे हैं, और फिर कत्ल को लूट की शक्ल देने की कोशिश की हो। लेकिन रजनी देवी कल रात से गायब है, तो हो सकता है उनका कत्ल भी कल ही हुआ। पर सवाल ये है कि गांव की एक महिला सरपंच अपने गांव से इतना दूर उस सुनसान जगह पर क्या करने गई होगी? सर हो सकता है कि मर्डर किसी दूसरी जगह पे किया गया हो और बॉडी को ले जाके वहां डंप किया गया हो। फिर भी उस जगह का पता करना होगा,
जहां रजनी देवी का कत्ल हुआ। रजनी देवी की कल की पूरी एक्टिविटीज पता करो और आसपास जितने भी सुना रहे सबको इन्फॉर्म करो। हो सकता है कातिल गहने बेचने की फिराक में। शहर क्या गए या इतना बड़ा कांड हो गया? इतनी बड़ी बात हो गई तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? खबर तो नहीं दी हमें। और तू हरामखोर, तू कहां था? मैं कांड हुआ वो बाजी अम्मा जी ने मैं दोपहर में ही काम के लिए तहसील भेज दिया था। तू तहसील में था तो कौन सी कचहरी लगाने गई थी? तू बता दी क्या? तुझे उसके बारे में सब पता रहता ना? अब बोलेगा अभी रजनी जी को आखिरी बार आपने देखा था? जी सर, माँ और हम विधायक जी के पास से लौट रहे थे और हमें काम से शहर जाना था। माँ के कहने पर हमने शाम को उनको गांव के पास छोड़ दिए थे सर। माँ को शाम में टहलने की आदत थी तो हमें लगा कि टहलते टहलते वो घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद रजनी जी घर आई नहीं? उस वक्त घर पे कौन था? सर कोई नहीं था यहाँ और हम अपनी बीवी के साथ उसके मायके गए हुए थे। देर रात पहुंचे तो माँ नहीं थी, तभी से हम उनको खोज रहे थे। आप इनके साथ थे? अब हम तो दो दिन से शहर में थे, योगा शिविर में। खबर मिलते ही फौरन लौट आए। पता नहीं सब कैसे हो गया। आदित्य ने रजनी देवी को गांव के बाहर ड्रॉप किया था। हो सकता है किलर ने वहां उन्हें अकेले देख उनको टारगेट किया। लेकिन ये बात उनके बेटे ने मैं पहले नहीं बताई। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सोच समझ के बोल रहे। पता करो रजनी देवी के मर्डर की वजह कहीं कोई घरेलू झगड़ा तो नहीं, और नरेंद्र को ढूंढने पे जोर दो। ठीक है सर। रजनी ने नरेंद्र की बेटी के गैर जातीय विवाह को जायज ठहराया था और सरपंच बनने के बाद से लगातार रजनी ऐसे फैसले कर रही थी जिसने उस पूरे क्षेत्र में उसकी गरिमा बढ़ा दी थी। पर उससे प्यार करने वालों से ज्यादा उससे नफरत करने वाले थे। लेकिन सवाल यह भी था कि रजनी की पोती मेघा और उसका दोस्त संज्ञान जिस क्रूरता का शिकार हुए थे, क्या रजनी की हत्या से उसका कोई लेना देना था? आखिर क्या वजह थी कि रजनी के परिवार ने पुलिस को यह नहीं बताया था कि मेघा भी लापता है? पुलिस को रजनी के परिवार पर भी शक हो रहा था और उनका खबरी नेटवर्क रजनी और उसके परिवार से जुड़ी हर जानकारी को इकट्ठा कर रहा था। हम पे भरोसा रखो विनीता, हम भी मेघा के लिए परेशान हैं। पुलिस को इस मामले से दूर रखना पड़ेगा, इसी में मेघा की भलाई है। सर, जिस दिन रजनी देवी की लाश मिली थी उस दिन सुबह नरेंद्र को एक टैक्सी स्टैंड के पास देखा गया था। एक सवारी टैक्सी वाले ने उसे हापुड़ बस अड्डे के पास उतारा था। हापुड़? पता करो हापुड़ या उसके आसपास नरेंद्र की जान पहचान का कोई रहता है या नहीं। हो सकता है वहीं छुपके बैठा। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही, ये मर्डर फैमिली के इंटरनल मैटर से जुड़ा हो सकता है। मैटर क्या? सर आदित्य बहुत पहुंची हुई चीज है। आदित्य बहुत सारी शराब की भट्टियों में साइलेंट पार्टनर था और रजनी देवी ने ऐसी बहुत सारी भट्टियों को बंद भी करवाया। तो क्या बेटे के गैर कानूनी धंधों में माँ के उसूल आड़े आ रहे थे? सर वैसे आदित्य का सगा रिश्ता नहीं था रजनी देवी से। रजनी देवी उदित और आदित्य की सौतेली माँ थी। दरअसल उदित और आदित्य के पिता की शादी रजनी देवी की बड़ी बहन से हुई थी, लेकिन आदित्य के जन्म के बाद उनकी मौत हो गई और उसके बाद रजनी देवी के पिता ने उनकी शादी विश्वनाथ से करवा दी। चल चार डिस्को। क्या पता तूने कुछ मिला दिया हो उसमें? चार।
भाजी मैं समझा, जबान बोलने के लिए नहीं चाटने के लिए निकाल। चल वफादारी का नाटक बड़ा अच्छा कर लेता है तू, है? हम गलत काम करते थे, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ मिटाने में तो माहिर हो तुम, पर वैसे भी तुम्हें अपनी माँ से कोई खास हमदर्दी तो थी नहीं। उनकी मौत के बाद हमारे भी आंसू आए थे, पर यह सच है कि उनके उसूल खलते थे हमको, पर हमको ही क्या, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वो खलती थी। किसकी बात कर रहे हो? अब हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको यहाँ बिठा नहीं पाएंगे। तो आप साहब बोलो किसकी बात कर रहे हो? हमारी माँ ने इस बार विधायक बिश्नोई जी से पंगा लिया था, उसी के ऑफिस में उसी की पैंट ढीली कर दी। अकड़ तो अब तुम भी टूटेगी बिश्नोई, घर घर पानी के स्कीम में जो घोटाला किया हो ना सब मीडिया के सामने लाएंगे, कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तू मेरी कुर्सी हिलाएगी? तू मेरी कुर्सी हिलाएगी? औकात देखी है तेरी? सर तुम्हारे जैसे कितने संबंध मेरे नीचे हैं। अरे सर रहने दीजिए ना, माँ छोड़ो। औकात की बात कर रहे हैं नेताजी, ऑफर तो सुना दे हम इनको अपना। आप चाहते हैं कि हम अपना मुंह बंद रखें? बस आप हमारे गांव के स्कूल के लिए 20 लाख रुपया डोनेशन दे दीजिए, हम एकदम चुप हो जाएंगे। उन्हें लग रहा था विधायक जी डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो माफू मार के ही खामोश कर दिया। अच्छा तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर अगर हम आपको पहले बता देते तो वहाँ जो विधायक बिश्नोई जी बैठे हैं वो हमको उठा लेते घर से, और आप उनकी गिरमा तक नहीं पकड़ पाते, नो एविडेंस बोल के आप लोग पल्ला झाड़ लेते। सर हमें अपनी सिक्योरिटी भी देखनी और साथ में अपनी फैमिली वालों की भी। Have called is currently switched off. Please dial after some time. Call it. Room service, madam. आदित्य नेताजी का नाम लेकर घुमा रहा है। पर इतना कंफर्म है कि रजनी देवी नेताजी से मिलने गई थी। पता करो क्या रजनी देवी के पास कोई ऐसा सबूत था जिससे नेताजी को खतरा हो सकता था, और हो सकता है इस काम के लिए नरेंद्र को इस्तेमाल किया गया हो। ये केस अब एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था, और इस केस के सबसे बड़े सस्पेक्ट नरेंद्र को ना पकड़ पाने से पुलिस पर मीडिया और गांव वालों का प्रेशर आ गया था, लेकिन जल्द ही पुलिस ने नरेंद्र को ढूंढ निकाला। मानते हैं मामा जी के फैसले से गुस्सा थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। अच्छा कुछ नहीं किया तो फिर हमें देख के भागा क्यों? मैडम भागते नहीं तो गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ते। और अब हम तुझे नहीं छोड़ने वाले, बता रजनी देवी के गहने का छुपाए तूने? मैडम हमने कुछ नहीं किया। शर्मा कूट इसको। हम कहते थे ना कि उनका किसी से चक्कर है, चलिए अंदर घुसे हैं। दरवाजा खोलिए।
दरवाजा खोलिए। क्या हुआ भाई साहब? कहाँ हुआ सीमा? ये बोल रही है स्वीटी के साथ चक्कर चल रहा है आपका? मेरे बीवी हमारे बता रहे हैं आप। भाई साहब इसमें इनका दोष नहीं है, हम आपको बता रहे हैं ना, ये हमारी बीवी हम पे सख्त नजायदा करती है। तुम झूठ मत बोलो। अरे हम ये भाई साहब से मिलने आए रहे और इनको देखने के बाद में भी तुम ये फालतू का तमाशा कर रही हो। इसको क्या लगता है कि इसके हकलाने की वजह से हम इसको पसंद नहीं करते हैं? और इसीलिए सिर्फ अटेंशन हमारा पाने के लिए हमको जगह जगह बदनाम करती फिरती है। सुनिए हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। और बात क्या है? हमारी बेटी लापता है। क्या? जिस दिन आपकी सास रजनी देवी का कत्ल हुआ उस दिन से आपकी बेटी मेघा भी गायब है, तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम बताना चाहते थे पर हमारे पति ने हमें रोक लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कहीं आप मेघा पर शक ना करो। और मेघा गायब क्यों? उसकी क्या वजह? सर वो एक लड़के को पसंद करती थी। कौन लड़का? संज्ञान। संज्ञान हम यहाँ तुम्हारा एक घंटे अंदर इंतजार कर रहे हो, तुम अब जा के आ रहे हो? मेघा सॉरी यार, पापा को आने में देर हो गई थी। सर जिस दिन मेघा गायब हुई उस दिन हमें लगा कि संज्ञान उसे लेके भाग गया है क्योंकि उस दिन से वो भी गायब है। संज्ञान जया कुमारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, वो ललितपुर के किसी हॉस्टल में रहता है। मैडम घर में कौन कौन है? उसके सिर्फ पिताजी है। क्या नाम है फादर का? राम प्रवेश। इनका नंबर है आपके पास? जी मैडम। सर मेघा के लापता होने को लेकर रजनी देवी के घर में हर कोई जानता था और मेघा की माँ की तरह सब लोग मेघा के दोस्त संज्ञान के ऊपर ही शक जता रहे हैं। और संज्ञान भी गायब, अब इस केस की कई बातें खुल रही हैं। सर एक अजीब सी बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद रजनी देवी के पति विश्वनाथ उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अपने दोस्तों यारों के साथ रोजाना उसके ड्रिंकिंग सेशन चल रहे हैं। और जिस दिन रजनी देवी का कत्ल हुआ उस दिन वो यहाँ था भी नहीं, कहीं ये सारा प्लान विश्वनाथ का तो नहीं? हमें फिक्र हमारी पोती की है सर, लेकिन ये रजनी यही वजह सबकी, आज मेघा हमसे दूर है। आखिर क्या वजह जो आप अपनी मरी हुई बीवी को इतना कोस रहे हैं? उसे कोसने की हजारों वजह है हमारे पास। तब तो उसे मारने की भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी आपके पास। हमें मालूम था आप हम पे शक करेंगे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। अपनी बीवी को कोसने की वजह नहीं बताएंगे? उसे कोसने की सबसे बड़ी वजह थी वो शमशेर। शमशेर? हाँ शमशेर, हमसे ज्यादा उसे पसंद करती थी, कहती थी कि हम उसके नहीं उसके बाप के पसंद थे। आप कहना चाहते हैं आपकी बीवी रजनी देवी का शमशेर के साथ? जो आंखों देखा है वही बता रहे सर, वो हमारे फार्म हाउस में उसके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारती थी। आपको ज्यादा मर्दानगी दिखाने का जरूरत नहीं है, उम्र देखिए अपनी, कुछ बचा नहीं है आप में। उस कमीने के सामने मैं जलील करती थी और हम खून के खून पी के रह जाते थे। कई बार हमने उसको माफ कर दिया
ये आज उसके कर्मों की सजा मिली है उसे। और ये सजा आपने उसे दी? मैं पहले भी कहा आपसे सर, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन शमशेर उसके सारे राज जानता था। वो ये भी जानता था कि आज के लोग किसके हद तक चढ़ी थी। मैडम जी, हम अपने किसी काम से बाहर नहीं गए थे, बल्कि हम तो अपने बेटे संज्ञान को खोजने गए थे। कहाँ खोज रहे थे और आखिर ये संज्ञान गायब कहाँ? कुछ पता नहीं चल रहा मैडम जी। वो गर्मियों की छुट्टी में 7 जुलाई को अपने हॉस्टल के लिए निकला था, तभी हम उसको आखिरी बार मिले थे। और फिर उसके बाद हम अपने किसी काम से सतना चले गए। 5-6 दिन बाद उसके हॉस्टल से फोन आया कि वो अभी तक हॉस्टल नहीं पहुंचा है। फिर हम सतना से सीधे ललितपुर चले गए उसके हॉस्टल, और फिर वहां से जब वापस आए तो पता चला कि आप उसको पूछने आए थे। 7 जुलाई से ये लड़की भी गायब। इसका नाम मेघा है। मेघा की माँ का कहना है कि संज्ञान और मेघा की दोस्ती थी। क्या आपको इन दोनों के अफेयर के बारे में कुछ पता था? नहीं मैडम जी, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल मेघा के घर वालों का ये कहना है कि संज्ञान इस लड़की को भगा के लेके गया है। नहीं नहीं मैडम जी, हमारा बेटा तो रात दिन पढ़ाई में लगा रहता है, और वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारी बदनामी हो। साहब, हम अम्मा जी के सिर्फ सेवक थे और उनका हुक्म टालने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं थी। उनके साथ संबंध रखना हमारी मजबूरी थी, हमारी शिक्षा नहीं। 10 बज गए, हम आपके लिए खाना पैक करा कर लाएं या घर पर जाकर खाएंगे? आज घर जाने का मूड नहीं है। हम तुम भी यही रुक जाओ जी। जो कुछ कहते हैं सर हिलाकर हाँ कर देते हो, सब बात मानोगे का अमरे? जी, बस हुक्म करके देखिए। सच बोल रहे होगा? उस दिन की बात से हम उन्हें मना नहीं कर सके। तो ऐसा क्या हुआ था कि तुमने रजनी देवी को मार ही दी? नहीं सर, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। आप झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। 7 जुलाई जिस शाम रजनी देवी का मर्डर हुआ, तुमने अपने दोनों साथियों को विक्रम और भवन को फोन किया था, और तुम तीनों ने मिलकर रजनी देवी की पोती को उठाया। वो दोनों कबूल कर चुके। अब तेरी बारी। हमने जो कुछ किया वो अम्मा जी के कहने पे किया। उस दिन हमने जो कुछ किया वो अम्मा जी के कहने पे किया। अम्मा जी मेघा की शादी किसी मिनिस्टर के बेटे के साथ में करना चाहती थी। उन्हें पसंद नहीं था कि मेघा उस लड़के से मिले, इसलिए हम वहां से उसे अम्मा जी के पास ही ले गए। हमारे घर की बेटी होके कुछ जात वाले लड़के से इसको लड़ा रही थी तुम? दादी, हम संज्ञान से प्यार करते हैं, हम आपको उसके बारे में बताने ही वाले थे। हमने पहले ही पता कर लिया। भूल जाओ उस लड़के को। हमने तुम्हारी शादी एमपी साहब के बेटे से तय कर दी है। इससे तुम्हारी जिंदगी भी सवर जाएगी और हमारे कुल की भी। दादी, आप कुल और जात की बात कर रही है? हाँ, कहे? बेटी और रोटी का व्यवहार कुल जात देखकर ही किया जाता है बिटिया। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलेंगी। अगर अब आपने हमें संज्ञान से शादी करने से रोका तो हम पूरे गांव को बता देंगे आप कितनी बड़ी ढोंगी है। चुपार लड़ाती हो हमसे? हाँ, हम आपके नहीं अपनी पसंद के लड़के से शादी करेंगे, और अगर आपने हमारे साथ जबरदस्ती की तो आपके लोगों के बीच आपको जलील कर देंगे। हमको जलील करोगे तुम? हमको जलील करोगे? ये जलील करना किसे कहते हैं? हम बताते हैं तुमको। ले जाओ उसे। इसका वो हाल करो कि अपनी शकल किसी को दिखा ना सके। नहीं दादी, छोड़ो मैं। दादी नहीं। रुको, दरवाजा खुला छोड़ देना।
हम उनका वो रूप देखकर हैरान थे साहब। वो हमें अपनी ही पोती के साथ दुष्कर्म करने का फरमान सुना रही थी। हम मजबूर थे साहब, हमें उनकी आंखों के सामने ही ये सब कुछ करना पड़ा था साहब। उस दिन उन्होंने हमें हमारी ही नजरों में गिरा दिया था। हम सह नहीं सके, हम अम्मा जी और मेघा को फार्म हाउस में छोड़ के चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ हमें सच में कुछ नहीं पता। तू मेघा का रेप कर रहा था और तेरे दोनों साथी संज्ञान का कत्ल, और तू कह रहा है तूने जो किया सिर्फ अम्मा जी के कहने पर किया। खुद को बेकसूर समझ रहा तू? मैडम हम उस लड़की की पिटाई जरूर की थी लेकिन हम जान से मारना नहीं चाहते थे। कहीं मर तो नहीं गया? हमको लगा खत्म हो गया मैडम, इसलिए उसकी बॉडी को ठिकाना लगा दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। मैं तूने जो किया उसे कम समझता है तू? शमशेर का बयान चौंकाने वाला था। भले ही रजनी और शमशेर के अनैतिक संबंध होंगे लेकिन रजनी जैसी आदर्श महिला जिसे गांव का गौरव समझा जाता था, क्या उसी औरत ने अपनी पोती के रेप का फरमान सुनाया था? क्या उसने वाकई शमशेर को संज्ञान की हत्या का भी आदेश दिया था? इस पर विश्वास करना मुश्किल था लेकिन शमशेर झूठ बोले पुलिस को फिलहाल इसकी भी कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। शमशेर के साथी बोल रहे हैं कि उन्हें लग रहा था कि संज्ञान मर चुका है। अगर ऐसा होता तो उसकी लाश मिलनी तो चाहिए थी। सब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों सच सच बोल रहे हैं कि कहानी अब भी कुछ और है। और रजनी देवी के घर वाले ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रजनी देवी अपनी पोती के साथ ऐसा कुछ करवा सकती है। और सईद शमशेर के दोस्त भी ये मानने को तैयार नहीं है कि रजनी देवी की हत्या में उन दोनों का हाथ है। संज्ञान के साथ साथ मेघा का भी कुछ पता नहीं चल रहा, केस कुछ उलझता ही जा रहा है। सर एक बात पता चली है, रजनी देवी की हत्या के अगले दिन उनके बड़े बेटे उदित ने एक गैराज में एक कार बेची थी, वो भी सिर्फ 15,000 रुपए में। कुछ तो गलत है। उस कार को तुरंत जब्त करो और फोरेंसिक को बुलाओ। और रजनी देवी के घर वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और किसी भी तरह से पता करने की कोशिश करो कि संज्ञान और मेघा इस वक्त कहाँ। सर देखा देखा पुलिस के पास जाने का नतीजा कितना तमाशा बन गया हमारा। तो चाहते क्या आप हम अपनी बेटी को भूल जाए? इस मुसीबत में फंसने से अच्छा है कि भूल जाओ कि हमारी कोई बेटी भी है। उस गाड़ी को जब्त किया गया तो फोरेंसिक को उसमें कई ऐसे खून के धब्बे मिले जिन्हें मिटा दिया गया था और ये देखा जाने लगा वो खून रजनी से मैच करता था या नहीं। वहीं संज्ञान और मेघा की तलाश भी जारी थी और जल्द ही पुलिस को मेघा की हत्या की जानकारी मिली। सर मेघा की लाश हमें हाईवे से कुछ दूर एक सुनसान जगह पे मिली। बॉडी की कंडीशन बहुत ही खराब थी सर, बॉडी पे कोई कपड़ा भी नहीं था। सर पोस्टमार्टम से हमें यह पता चला है कि मेघा के सर पे किसी भारी चीज से वार करके उसे मारा गया था। और सर हैवानियत की बात तो यह है कि मेघा को मारने के बाद डेड बॉडी के साथ रेप किया गया था। मेघा पहले भी रेप का शिकार हुई थी, उस वक्त इस रेप में ये शामिल था। और मेघा के अलावा ये संज्ञान भी मिसिंग है। आपकी तहकीकात के दौरान क्या कुछ ऐसा सामने आया जो इस लड़के से कनेक्टेड हो? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हाँ अभिषेक, सर उस कार में मिले ब्लड की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, वो ब्लड रजनी देवी के ब्लड से ही मैच करता है। सर मानते हैं कि हमने आपसे सच छिपाया लेकिन माँ की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो किसका लेना देना? सर उस रात माँ घर नहीं पहुंची थी और मेघा का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। हम और आदित्य बहुत परेशान थे। हम जब माँ के फार्म हाउस पर पहुंचे तो हमने देखा सर हम इतना घबरा गए थे कि हमें समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें, इसलिए माँ की लाश को ठिकाने लगा दिया। हमने नहीं मारा है माँ को। तुमने नहीं मारा तो फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? और मेघा के गायब होने की बात भी तुमने पहले नहीं बताई, क्यों? साफ साफ बोलो क्या छुपा रहे? सर कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। हमें लगा कि शायद मेघा के हाथों माँ की हत्या हो गई हो, हम तो सिर्फ उसको बचा रहे थे।
तो तुम जानते थे कि मेघा ने तुम्हारी माँ? नहीं सर, हम तो खुद ही ढूंढ रहे थे उसको। उस रात रजनी का मर्डर हुआ था, ये बात सिर्फ उदित और आदित्य ही नहीं, मेघा की माँ विनीता और रजनी के पति विश्वनाथ को भी मालूम थी। इसलिए पुलिस किसी का भी भरोसा नहीं कर रही थी। वहीं संज्ञान की भी कहीं कोई लीड नहीं मिल रही थी। लेकिन अब कुछ ऐसा मिला था जिसने पुलिस का नजरिया ही बदल दिया था। सब कुछ दिनों पहले मेरठ में एक सीमा नाम की औरत का मर्डर हुआ था। सीमा के मर्डर की मोडस ऑपरेंडी मेघा के मर्डर की मोडस ऑपरेंडी से मैच करती है। मेघा और सीमा दोनों के मर्डर करने के बाद उनकी बॉडी के साथ रेप किया गया था। सीमा का रजनी देवी या मेघा से कोई कनेक्शन? सर फिलहाल तो कोई कनेक्शन नहीं मिला है। माना कि सीमा और मेघा का मर्डर केस अलग है, लेकिन रजनी देवी के मर्डर केस में वो सिमिलैरिटीज नहीं मिली। तो सीमा के मर्डर केस में कोई ऐसा सस्पेक्ट जो मेघा से कनेक्टेड हो? सर फिलहाल उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला है। पर सीमा के मर्डर में मेरठ पुलिस को सीमा के पति योगेंद्र पे शक था। पुलिस का कहना है कि सीमा को अपने पति पे शक था क्योंकि उसका काफी औरतों के साथ अफेयर चल रहा था। तो हो सकता है योगेंद्र मेघा को भी जानता। साहब हम किसी मेघा को नहीं जानते, हमने कोई मर्डर नहीं किया है। तेरी बीवी तुझ पर शक करती थी, हो सकता तेरा मेघा से भी अफेयर रहा हो। साहब हम कितनी बार बताएं आपको, ऐसा कुछ नहीं है साहब, भगवान के दिखा के बोल रहे हैं हम। अरे बेटा आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी हम पहचाने नहीं आपको। अरे हम आपके पापा के दोस्त हैं संजीव। पापा कोई संजीव अंकल आपके फ्रेंड है क्या? सर पिछले कुछ सालों के मैंने कई मर्डर केसेस स्टडी किए, इसमें मालूम चला कि सीमा और मेघा जैसी कई ऐसी लड़कियों के मर्डर केसेस सामने आए जिसमें डेड बॉडीज के साथ रेप किया गया था। हत्या की वजह थी सर पे हुआ वार, और एक दो क्राइम सीन पर पुलिस को खून में लथपथ हथौड़े भी मिले। हथौड़े? यस। तो क्या ये किसी सीरियल मोलेस्टर का काम जो एक ही पैटर्न से सारे मर्डर कर रहा है? लग तो ऐसा ही रहा है सर। इन सारे केसेस को अच्छी तरह स्टडी करो और देखो कि क्राइम सीन पर आसपास क्या क्या कॉमन, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। राइट सर। पुलिस इस केस में सीरियल मोलेस्टर की थ्योरी बना रही थी, लेकिन संज्ञान के गायब होने का राज इस केस को फिर से दूसरी दिशा में मोड़ रहा था। सर ललितपुर से कुछ दूरी पर एक लॉज है, आरवी लॉज। इसी लॉज से 5 किलोमीटर की दूरी पर मेघा की लाश मिली थी। सर खबरियों से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से वहां पे एक लड़का छुपकर बैठा हुआ है, मुझे शक है कि वो संज्ञान है। फौरन एक टीम लेकर वहां पहुंचो। सर हमारा मेघा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं, 7 जुलाई के बाद तो मुझसे मिले तक नहीं है। तो 7 जुलाई से तो अंडरग्राउंड क्यों? सर उन लोगों ने हमें बहुत मारा, उस डर की वजह से हम वहाँ चले गए। डर की वजह से तो लॉज चला गया, अपने घर क्यों नहीं गया? सर जाते तो पापा परेशान हो जाते। वो तो अब भी परेशान है, ढूंढ रहे हैं तुझे हर जगह। तूने उन्हें नहीं बताया था तो लॉज में चुपके बैठा? नहीं सर। सर हमारा मेघा के मर्डर में कोई हाथ नहीं है, हम तो प्यार करते थे उसे। तेरा हाथ है या नहीं कि हम पता लगाएंगे, पता लगाओ जरा अच्छी तरह से। सर तो हमने सीमा और मेघा समेत सभी केसेस के क्राइम सीन की सीसीटीवी फुटेज स्कैन की। इन सभी क्राइम सीन पर ये मोपेड कॉमन है। ये मोपेड सीमा और मेघा के क्राइम सीन के आसपास भी देखी गई थी, लेकिन सर ये मोपेड रजनी देवी के गांव में देखे जाने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुनिए लगता है गाड़ी खराब हो गई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सर सर संज्ञान अब बोल रहा है कि उसके फादर जानते थे कि वो एक लॉज में छुपा हुआ था। हमें देर नहीं लगी तेरा पता करने में, तुझे फॉलो किया, तुझे रंगे हाथ पकड़ ली।
सालों पहले तेरी बीवी का मर्डर हुआ था, मुझे पूरा यकीन है उसका मर्डर भी तूने किया होगा। सही कहा आपने, हमारा पहला शिकार हमारी पत्नी थी। वो हमारी गैर मौजूदगी में दूसरे मर्द के साथ सोती थी और जब हम उसके पास जाते वो हमें जलील करती कि तुम हमें संतुष्ट नहीं कर पाते। एक दिन हमारा माथा सरक गया, हमने उसको हमेशा के लिए संतुष्ट कर दिया। वो तो संतुष्ट हो गई पर हम संतुष्ट नहीं हुए, उसी वजह से हमें इन औरतों से नफरत हो गई। ऐसा करता क्या था ये औरतें तेरी बात मानकर तेरे साथ चलने को तैयार हो जाती थी? हम बहुत स्मार्ट हैं साहब, हम उनके पास जाते और उन्हें जता देते थे कि वो हमें जानती हैं और हम उन्हें जानते हैं, हथौड़ा मार देती। और मेघा, वो तो तेरे बेटे की गर्लफ्रेंड थी। उसी की वजह से उसकी दादी रजनी ने हमारे बेटे को अधमरा कर दिया था। तो रजनी देवी को भी तूने मारा था? तब वो हमारा स्टाइल नहीं है, वो तो मेघा ही उसको मार के भागी थी। उसका हमारे पास फोन आया। हेलो अंकल, हम मेघा बोल रहे हैं, संज्ञान की दोस्त। मेघा? हाँ अंकल, संज्ञान ठीक तो है ना? हमने उससे बोला संज्ञान सही सलामत है और हम उसको संज्ञान से मिलवा देंगे। फिर हम उसे ललितपुर में मिले, उसने हमें अपना सारा दुखला सुनाया। क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हारा रेप करवाया था? हाँ अंकल। अब आई अक्कल ठिकाने तुम्हारी? हाँ बोलो, शादी करोगी उस लड़के से? अब हम मर जाएंगे लेकिन आपकी बात कभी नहीं मानेगी। मेघा, मेघा, मेघा रुक। ठीक है तो हम तुमको भी मार डालेंगे उस लौंडे को भी। हाँ क्या लगता है तुमको ऐसे जाने देंगे? संज्ञान के साथ भाग करके जिंदगी गुजारने के लिए उसने अपने दादी के गहने चुरा के बेच दिए। बेटा डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ बैठो, हम संज्ञान के पास तुम्हें ले चलते हैं। हैं? आओ। अब तुझे संतुष्ट हम करेंगे, करो जरा इसकी तसल्ली। राम प्रवेश पिछले 7 सालों में सीमा और मेघा समेत 25 से भी ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था, लेकिन मेघा सिर्फ राम प्रवेश की नहीं बल्कि अपनी दादी रजनी और शमशेर की क्रूरता का भी शिकार थी। मेघा अपनी दादी रजनी को एक आदर्श नारी के रूप में देखती थी, रजनी के उदाहरण देकर वो लोगों को आगे बढ़ने की सीख देती थी, लेकिन वही रजनी उसकी सबसे बड़ी गुनहगार थी। इंसान अपनी अच्छी कथनी से महान दिख सकता है लेकिन महान काम करने वाले लोग बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं और उनकी कथनी खुद दुनिया लिखती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।